हम श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हैं और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर नाइट कल्चर में क्या तब्दीली आई है। एक वक्त वो था जब यहाँ पर नाइट कल्चर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तो आइए सफ़र पर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हालात में क्या तब्दीली आई है। जम्मू कश्मीर में दशकों के बाद रात्रि कालीन जीवन पुनः शुरू हुआ, जो भविष्य के लिए राहत और आशा लेकर आया है। श्रीनगर शहर 3 दशकों से अधिक समय के अंतराल के बाद अपनी नाइट लाइफ को फिर से शुरू होते हुए देख रहा है। श्रीनगर का लाल चौक अशांत रहने वाले इलाकों में से एक था, लेकिन धारा 370 के रद्द होने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। बंदूक, ग्रेनेड और पत्थर लेकर चलने वाली भीड़ अब अतीत की बात हो गई है। अब देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं और देश के कोने कोने से आए पर्यटक क्लॉक टावर के नीचे तस्वीरें लेते हुए देखे जा सकते हैं। इन लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। में हम पहली बार कश्मीर में आए, जहाँ पे देखा तो ऐसा नहीं लगा कि कोई डर वाली बात नहीं है। सब लोग आराम शरायत में घूम रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के रात में घूम कर? यहाँ रात में घूम कर नहीं, पहले सोचा तक नहीं था कभी कि रात को घूम पाएगा, ऐसे देख पाएंगे, लेकिन अभी सब माहौल ठीक है। रात को सब लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल शांति है। आप लोग कहाँ से आए? हम राजस्थान से। कितने लोग आए? हम 5-7 लोग आए। अच्छा, असल में जो ये नाइट कल्चर आपका बोल रहे हैं, तो वाकई इस साल जो टूरिस्ट का सीज़न अच्छा रहा, और मोस्टली जो हमारी जो यहाँ हमारे बाहर से आते हैं टूरिस्ट लोग जाते हैं, दिन भर वो घूमने जाते हैं, चाहे वो यहाँ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या अदर बहुत सारी जगह हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इसको फिर देखता हूँ, रिनोवेट हो, पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा मूवमेंट और बढ़ गया। कश्मीर ऐसी जगह ही है, कौन नहीं चाहता कि हम कश्मीर आएंगे, और यहाँ के लोग तो ये खुद बता रहे हैं हमको, हमने अपनी तारीफें हम नहीं करना चाहते, बट हम मेहमानों को कदर करना जानते हैं। हमारे कश्मीरी में कहावत, मेहमान जान से प्यारा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं डल झील के किनारे और दिखाते हैं कि वहाँ पर इस वक्त रात के इस पहर में किस तरीके का नज़ारा है। ये वो जगह है जहाँ कुछ साल पहले तक अंधेरा छाते ही सन्नाटा पसर जाया करता था, और स्थानीय लोग भी रात होने के बाद घूमने फिरने से कतराते थे, लेकिन अब इसी डल झील के किनारे देर रात तक रौनक रहती है और चहल पहल बनी रहती है। सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी आए हुए पर्यटक देर रात बेखौफ होकर सैर और तफरीह करते हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में हालात में बहुत हद तक बदलाव आया है। सर, आप लोग कहाँ से आए? मैं नेपाल बीरगंज। तो ये फर्स्ट टाइम आप आए हैं? नहीं, मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। इसके पहले मैं 8 साल पहले अपने फ्रेंड लोग के साथ आया था। अच्छा, तो 8 साल पहले जब आए थे आप और आज आप आए हैं, कुछ बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव लग रहा है। पहले थोड़ा रात को 10 बजे तक उतना सेफ नहीं लगता था, बस चलो फटाफट घर चलो। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो जस्ट सिकारक से अभी हम जस्ट उतरे ही हैं, तो पहले और अभी में बहुत सेफ फील हो रहा है, बहुत सेफ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम श्रीनगर में घूम रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ पंजाब से, तो हमें यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा। तो इस टाइम रात के 10:30 बज चुके हैं, तो बहुत अच्छा लाइटें हैं, तो बहुत अच्छा घूमने के लिए है यह जगह। और ये नहीं कि श्रीनगर घूमने के लिए अच्छा है, पूरा कश्मीर अल्लाह ने एक जन्नत का टुकड़ा बनाया कि जन्नत का टुकड़ा है। और मैं कहता हूँ सबको कि यहाँ आओ घूमने के लिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो हमें डराया जाता है कि कश्मीर मत जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ के अच्छे लोग हैं और हम अच्छे तरीके, 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पर और हम बहुत मज़े से रह रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं हमें आई कि हमें किसी परेशानी का दिक्कत करना पड़े, सामना करना पड़े। देर रात इस तरह का नज़ारा से पर्यटन स्थल पर ही नहीं बल्कि डल झील के किनारे बनाए गए हैशटैग कश्मीर क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि हालात बहुत हद तक साजगार हो चुके हैं और इसी वजह से यहां नाइट कल्चर परवान चढ़ रहा है। कश्मीर घाटी में नाइट लाइफ का फिर से उभरना कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यहाँ पर जो आपने देखा, डेवलपमेंट ऑफ बंड हो गया है, लाल चौक हो गया है, बहुत सारी जगह और भी डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से बेसिक लाइफ में यहाँ चेंजेस आ रही है।
तो पीपल लाइक टू कम आउट इन द एरिया। लेकिन अभी क्या है कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, क्योंकि ये तो एक नया हमारा ये वॉकिंग एरिया बन गया है, आप डलगेट जाएँ वहाँ भी बड़ा अच्छा वॉकिंग एरिया बन गया है, तो ये अच्छा है क्योंकि देखें अगर बंदा दिन भर स्ट्रेस में तो जो वॉकिंग है वो एक ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जब शाम को आप चलते हैं एनवायरमेंट इतना हवा इतना अच्छा है, बिल्कुल पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, हवा मिलती है, आप चलते हैं तो एक मतलब एक माइंड फ्रेश होता है, तो ये मेरे ख्याल से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दरअसल अलग अलग जगहों पर जाकर हमने आपको बताने और दिखाने की ये कोशिश की है कि नाइट कल्चर किस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर परवान चढ़ रहा है और यहाँ के लोगों की सोच में किस हद तक तब्दीली आई है। विजय फिरोज के साथ में खासिर फान, न्यूज़ एशियन के लिए।